सनिखेज नहीं, सिर्फ सार्थक बहस करना चाहते हैं। धर्म संप्रदाय पर नहीं, आपके सरोकार पर बात करना चाहते हैं। हम शोर शराबा नहीं, तर्कों और तथ्यों की बात करना चाहते हैं। तो इस वक्त की राजनीति में सबसे बड़ी चर्चा है कि क्या विपक्ष की महाजुटान सिर्फ हवा हवाई है या विरोधी एकता से घबराकर बीजेपी ने विपक्ष में कोई बड़ी सेंध लगाई है, क्योंकि इस वक्त यही है सवाल सत्ता का। तो सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है। एक वक्त था आप कहते थे कि एक अकेला ही काफी है, और आजकल सुनाई दे रहा है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज तो स्थिति है ना, मंजिलों की जुस्जू में मैं अकेला ही चला था, लोग यूं मिलते गए और काफिला बनता गया। वो अकेला ही था, और इतना ही नहीं, अकेला तो कहां कहां तक मोदी जी को 22 साल पहले जब राजनीति शुरू की थी तो कितना अकेला किया गया था, अलग थलग किया गया था देश से लेकर विदेश तक। और आज देश में नहीं, देश की जनता ही नहीं, विदेश में भी सब साथ हो गए। पांच पांच छह छह देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहावत कहते हैं, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। ये सारी पार्टियों के साथ समस्या ये है कि इनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। फंडामेंटल प्रॉब्लम इनकी पार्टियों में इसलिए आ रही है कि हमारे यहां पार्टी को परिवार समझा जाता है, इनके यहां परिवार को पार्टी समझ लिया जाता है। इसलिए ये अपने नेता से भी कट जाते हैं, विधायक सांसद से भी कट जाते हैं, अपने कार्यकर्ता से भी कट जाते हैं, अपने कैडर से भी कट जाते हैं, और जब टूटने फूटने लगते हैं तो आरोप भाजपा पे लगाते हैं। और हकीकत में आपको बात बताऊं, इन लोगों ने कितने भी प्रकार के रंग रूप बदलने का प्रयास किया कि किसी प्रकार खड़े होके मोदी जी के विरुद्ध एक बनाने का प्रयास करें, पर उस खड़े होने में विपक्ष का गठबंधन तो छोड़िए, अपनी पार्टी संभालना मुश्किल हो गया। वो पुराना गीत था ना, बहुत पुराना, शायद 60 और 70 के फिल्म की दशक की फिल्म का है, वो इनके ऊपर बहुत सही लागू होता है विपक्ष के ऊपर, कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। और ये अपने कैडर की नजर में क्या हो गए, अपने नेताओं की नजर में क्या हो गए, अपने प्रदेश की जनता की नजर में हो गए कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। चलिए, आपने फिल्मों की बात शुरू कर दी, तो सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये सामने आपके संजीव झा जी हैं, इन्हें देखकर आपको वो फिल्म याद आ रही है, हम साथ साथ हैं? वो साथ साथ नहीं, अभी तो सुधांशु जी पर ही रह लेना थोड़ी देर, उनके ऊपर बाद में आ जाएंगे। तो कही रहे कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह, और बैठे हैं उन्हीं के, अब खड़े हैं उन्हीं के कूचे में आज गुनहगारों की तरह। नौकरियां दी नहीं, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 15 लाख रुपए नहीं दिए, तमाम तरीके की चीन को लाल आँख नहीं, पीली आँख दिखा दी, चाय पिला दी, झूला झूला दिया, ये सारी की सारी चीज़ें जितनी ये कर सकते थे वो सब कर डाली। पिछले 9 साल में ये गुनहगारों की तरह एक्सपोज होते हुए चले गए। इनको वास्तव में इस जनता ने, मेरी प्यारी जनता ने, दोस्तों ने हमारे, इनको अपने दिल में रखा था जान से भी प्यारों की तरह। आज गुनहगारों की तरीके से बैठे भी हैं उनके दिल में और खड़े भी हैं और निकलने का इंतजार कर रहे हैं 2024 में इस चीज़ को पहले। अब इनकी वैचारिक रूप से, मैं सुधांशु जी को व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ, ये वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध है, लेकिन इन भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक दरिद्रता की स्थिति देखिए, वो मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ। छोटी सी वो है, राहुल भाई आप तो, इन्होंने अभी 4 नए राज्य प्रमुखों की नियुक्ति की है। एक इन्होंने किए किरण कुमार रेड्डी जी, पुराने कांग्रेसी हमारे, इन्होंने पुरंदरी देवी जी की, क्या ना, पुंदेश्वरी देवी जी, पुरंदेश्वरी जी, वो जो हमारे यहाँ की, सुनील जाखड़ साहब हमारे, ठीक ठीक है ना। उसके बाद जी किशन रेड्डी जी जनता पार्टी से आए हुए, नाम याद नहीं रख पाते इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। सुनिए ना, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अभी अभी ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं राहुल, देखो एक बार, मेरा जो सवाल था उसको आ जाइए आप, इनको बचाने की, मेरा सवाल ये था कि आप साथ साथ हैं या नहीं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2024 में मिलकर चुनाव लड़ेगी, 2000 में कोई साथ साथ होगा? 2024 में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, जिन ताकतों ने भी लोकतंत्र को तोड़ा मोड़ा खत्म किया और जिन ताकतों ने संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ हम सब एक हैं। और जो लोग इसमें तटस्थ भाव में रहेंगे उनका जनता है। अध्यादेश के मामले में आप हैं आम आदमी पार्टी के साथ? कोई गैर कानूनी काम देश की संविधान की और देश की संसद में हम नहीं होने। संजीव जी,
क्या हैं आप इनके साथ में? आपके पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस से हमारी कोई साथ नहीं होगा, दूर तक उनके साथ नहीं जाएंगे। देखिए, ये गंभीर विषय है और एक बहुत बड़ी लड़ाई है। मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई सत्ता में कौन आएगा, कौन किसके साथ होगा, ये लड़ाई नहीं है। अब ये लड़ाई है कि इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था कैसे बचेगी, इस देश का संविधान कैसे बचेगा। जो कुछ भी दिल्ली में हुआ, दिल्ली की जनता ने 3 बार आम आदमी पार्टी को अपना मत दिया, 2 बार 90% से ज़्यादा सीट दी, भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह नकारा। दिल्ली के देश के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक फैसला आदेश में कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर में कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार हैं और केंद्र के क्या अधिकार हैं। उस सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को एक गलत अध्यादेश से, आप काला अध्यादेश से आप पलट देते हैं, तब लगता है कि इस देश का फेडरलिज्म, इस देश संविधान खतरे में। दूसरी बात में आ रहा हूं जी, ये सब बातें सुनी हुई नहीं, जरूरी क्या मैं है? तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं, आज की जरूरी 2024 में, मुद्दा सीधे सीधे 2024 में आप और आप दिल्ली में मिलकर के साथ में होंगे या नहीं होंगे, मुझे क्लियर कट बता दीजिए। मुझे ये लगता है, मैंने आप मेरी पहली बात को आपने गंभीरता से नहीं सुना। मैंने कहा कि अब ये बात चुनाव लड़ने और जीतने की है नहीं, पहले संविधान बचेगा, जनतंत्र बचेगा, सब चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि देखिए, जब अलग अलग पार्टी बनती है तो कुछ तो वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन ये लड़ाई वैचारिक मतभेद से ऊपर उठ के ये लड़ाई है। जिस तरह से रोज ये 5 साल में देखिए कि जहां कहीं भी विपक्ष है, कहीं आप ऑर्डिनेंस के जरिए, कहीं गवर्नर के जरिए, कहीं पैसे से खरीद कर, कहीं ईडी से डरा कर, आप जो इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाह रहे हैं, अब ये लड़ाई इस देश के उस जनतांत्रिक व्यवस्था बचाने की है। और इसे मैं मानता हूं कि देश के सभी विपक्ष को एकजुट होकर के ऐसे निरंकुश मानसिकता वाले व्यक्ति को, सवाल पे नहीं आ रहे आप मेरे, एकजुट और हराना, एकजुट आप जो बयान दे रहे हैं, आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे मुझसे। आपके बड़े नेता चाहे इनके हो चाहे आपके हो, दोनों जब एक मंच पर आने की बात करते हैं तो अध्यादेश पे मामले पे आप दोनों दूसरी दिशा में जा रहे हैं। आपके बड़े बड़े नेता कह चुके हैं कि हम साथ नहीं आ सकते क्योंकि कांग्रेस पर हमें भरोसा नहीं कि वो अध्यादेश पे साथ आएगी। चलिए छोड़िए आपकी मैं, आपकी बात मैं छोटा सुधार, अब मुझे बता दिया, अब आप दोनों क्या एक साथ साथ है, मुझे ये बता दीजिए 2024 में। और इस वजह से पूछ रहा हूं मैं आपसे ये सवाल अनुराग जी, स्पेशली कल कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में एक बैठक बुलाई गई थी, 2022 के वहां उम्मीदवार पहुंचे थे, 399 में से 243 उम्मीदवारों ने कहा, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने सुरेंद्र जी, कि हमें समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब मैं बोलूं जी, कितना मिनट है? अरे आप बोलिए ना। अच्छा ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्टार्टिंग की है, एक पुराना गाना होता था तो मुझे भी एक पुराना गाना याद आया, तो पुराना गाना मैं भी सुना दूं तो इनको समझ में आएगा। पूरे तरन्नुम में, भाजपा का जमाना जनता करे शोर, शोर नहीं शोर, महंगाई बेकारी फैली चारों, राम गजब ढाए भाजपा के भैया, देखो कहाँ देश की डूबी रे नैया, अब जुमलों से भी ना चले कोई जोर, देख महंगाई बेकारी फैली चारों, टमाटर 160 के पार है लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे। देखिए हमें आपको कहाँ उलझा रहे हैं, समस्या क्या है जनता की, जनता की असली समस्या है जो आपने 2014 में वादे किए थे, जो आज आपने 2019 में वादे किए थे कि हम आएंगे सबको पैरों पे खड़े कर देंगे, खुशहाल होगा, हर घर में रोजगार होगा, महंगाई तो खत्म ही हो जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं जन, और किसान भी की इनकम भी दुगनी हो जाएगी। किसान के नाम पे ना का बोलने से डरते हैं, बेरोजगारी का बा बोलने से डरते हैं, महंगाई का मां बोलने से डरते हैं, टमाटर का टा बोलने से डरेंगे, आप देखिएगा। तो ये वो लोग हैं जिनको जिनको बात नहीं करनी है, और परिवारवाद की बात ये कर रहे थे, आप परिवारवाद देखिए काम तो परिवारवाद का विषय आया ही कहां है, एक एक मिनट, आप लोग इधर उधर चले गए, परिवारवाद मेरे सवाल पे नहीं आते सर, मैं 30 सेकंड ज्यादा वो आए ना, आप खुद नहीं आए आज तक, अपना जो वादा किया था मैं कम नहीं, परिवारवाद का विषय आया नहीं, प्रोग्रामिंग है क्या सर, 30 सेकंड पहले से परिवारवाद पे इन्होंने बात की, सुनो परिवारवाद पे जब इनको सत्ता बनानी होती है तो जिसको अलगाववादी पार्टी बोलते हैं, पीडीपी की पार्टी, वहां जाके कश्मीर में उनके साथ सत्ता बनाते हैं, वो भी परिवारवाद से आती है, अकाली दल वो भी परिवारवाद से आता है, पंजाब में जाके सत्ता बनाते हैं, हरियाणा में चौटाला परिवारवाद से आता है, चौटाला के साथ आज सरकार चला रहे हैं, ये बात करते हैं, अपना दल उत्तर प्रदेश में परिवारवाद से आता है उसके साथ सरकार चला रहे हैं, ये निषाद पार्टी परिवारवाद से आती है
के साथ सरकार चला रहे हैं, ये राजभर को अपने पास लाने में ये लगे, इनसे पूछे शिवसेना परिवारवाद की पार्टी उसके साथ उसके साथ सरकार चला रहे हैं ये, और जिसको आज लेके आए तोड़ के अजीत पवार, वो भी परिवारवाद से आते हैं, तब आपको परिवारवाद दिखाई नहीं देता? आप मेरे ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, अनुराग ठाकुर आज मिनिस्टर है, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी बाहरी दिल्ली से, उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, परिवारवाद दिखाई नहीं देता? अनुराग भदौरिया जी ले आए, भाषण अगर आपका खत्म हो गया हो, दिखाई नहीं देता आपका भाषण खत्म हो गया हो, नहीं एक सेकंड अब वो एक सेकंड करते करते आप पूरा एक घंटा ले जाएंगे, और आप परिवारवाद की बात करते थे, आप दोनों में आप पूरी तरह से लिप्त हैं चाशनी की तरह, इसलिए आप इसमें मत बोलिए तो अच्छा है। अब पूछिए आप क्या सवाल है, अब आप कहाँ पूछेंगे, मेरे सवाल के बाद आप पूछेंगे की बात है। हाँ मैं बताता हूँ, हाँ, परिवार क्या होता है, अपने प्रथम परिवार का एक सदस्य हाँ, बताइए इसका कोई पद ना, बोलिए नाम बताइए। अनुराग ठाकुर कौन? सुनिए, अरे सुनिए, अब आपने देखिए मुलायम सिंह जी, उनके भाई शिवपाल जी, फिर उनके भाई राम गोपाल जी, फिर बेटा, फिर बहू, फिर भतीजा, फिर एक व्यक्ति का नाम बताइए, 35 लोगों के बाद सारे पद, एक व्यक्ति का नाम बताइए, बताइए ना, बताइए मुलायम सिंह जी के परिवार का एक व्यक्ति जो सांसद या विधायक बता दो दिया, ये होता परिवार का बेटा, अब मैं उदाहरण बताऊं पॉलिटिक्स में, अब बताइए भाई, उदाहरण में दे रहा हूँ, देखिए आप बोल रहे तो मैं डिस्टर्ब नहीं, जैसे आपने आप, पूछा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप इस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे हैं, तो आपके परिवार का कोई व्यक्ति पत्रकारिता नहीं ज्वाइन कर सकता या TV9 चैनल नहीं ज्वाइन कर सकता, ऐसा रोक नहीं लगाया जा सकता। परिवारवाद यह है कि आप ये कहें कि जिस दिन मैं एंकरिंग छोड़ूंगा मेरे परिवार का ही कोई व्यक्ति एंकर बनेगा, और इन सब पार्टियों में ये तो भी 10 ही साल पुराने हैं, यहां एंकर एक ही है, पीढ़ी दर पीढ़ी एंकर तय है, यह है परिवारवाद। अच्छा, वरना पूछिए कि 38 साल की उम्र में 37 साल की उम्र में अखिलेश जी में ऐसी कौन सी योग्यता थी जो प्रोफेसर रामगोपाल में नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बन गए? जवाब दीजिए ना, जवाब दे रहा हूं, आप बताइए ऐसी कौन सी योग्यता, अच्छा मान ली योग्यता आपके हिसाब से, ऐसी कौन सी योग्यता आपने देख ली चौटाला फैमिली के साथ जाके सरकार बना ली, ऐसी कौन सी योग्यता आपने अकाली दल में देख ली जो आपने सरकार बना ली, ऐसी कौन सी योग्यता आपने अजीत पवार में देख ली जो आप तोड़ के लाके अपने पार्टी में शामिल कर लिया, बताइए आप, सवाल का जवाब दो ना, अभी परिवारवाद से भाग के योग्यता पे, टॉपिक क्या, टॉपिक पे योग्यता या परिवारवाद बोलो, अब बताऊं, अरे बोलो ना, गठबंधन या परिवारवाद बोलो, आप बोलिए, योग्यता ये है कि जो एक्सप्रेसवे पे आप यहाँ से दिल्ली से लखनऊ जाते हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रध्वज अखिलेश यादव जी ने बनाई, आज भी आप जिस मेट्रो पे चढ़ते हो भी समाजवादी की देन है, 100 डायल जो पुलिस का सिस्टम वो भी समाजवादी के अखिलेश यादव जी ने बनाया, 1090 महिला समस्या के लिए जो आप फोन करते वो भी अखिलेश यादव की देन है, 108 एम्बुलेंस वो भी अखिलेश यादव की देन है, फिर अखिलेश यादव को लोगों ने नकार क्यों दिया? अरे देखिए चुनाव में हार जीत लगी रहती है प्रभु, कोई नई बात नहीं है, चुनाव आना है, सुनिए सुनिए, कल हारेंगे, जोश में क्या बोल गए कि फिर देखिएगा अभी बैक करके, इन्होंने कहा जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली और लखनऊ वाला, तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन गए, इनको वहीं पे अटके हुए हैं, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनवाया, अरे उस समय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे, ये तो सीएम थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था भाई 2017 में है ना, 2012 में कौन था, आज की डेट में, आज की डेट में वो बनाया, उस समय आज की डेट में बात कर रहे हैं, कुछ बोल जाते हैं, चलिए कुछ भी, अब 24 की तरफ हम लोग चल रहे हैं, सुधांशु जी अब सवाल लोगों के जहन में एक और बड़ा चल रहा है, ये जो अजीत पवार आपके साथ आए हैं ये भ्रष्टाचारी हैं या नहीं? आपने बहुत अच्छी बात कही, आज बड़ी मजेदार बात ये है कि जब आप कहेंगे इनके साथ सरकार में रह चुके हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचारी हैं, हमारी सरकार में घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था, हमने कहा आरोप है, आरोप आज भी है, और आरोप जांच से पहले नहीं होगा, इनका कहना था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आज कहते हैं ऐसा ही हुआ था, आज स्थिति यह हो गई है इन विपक्षी दलों की, अपनी पार्टी के नेताओं कहते हैं हां मेरे नेता भ्रष्टाचारी थे, हमारी सरकार भ्रष्टाचारी थी, हमने घनघोर भ्रष्टाचार किया था, और उसके बाद फिर आगे और कहते हैं उसके बाद अपने ही नेताओं को कमजोर साबित करते हैं नैतिक दृष्टि से, अरे वो डर गए ईडी CBI से इसलिए वो इधर आ गए, भैया एलानिया बेइज्जती अपनी नेताओं अपनी सरकार अपनी पार्टी की ऐसी करवाते मैंने नहीं देखा। अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अगर किसी को कहने की बात है तो झूठे आरोप लगाने की जो बात कहते हैं, हमारी सरकार थी हिंदू आतंकवाद के कितने झूठे केस लगाए, चला गया कोई पार्टी छोड़ के, गुजरात के किन किन लोगों के ऊपर झूठे केस लगाए, मंत्रियों विधायकों पर, चला गया कोई पार्टी छोड़ के, और छोड़िए जिस जमाने में इमरजेंसी लगी थी जब कोर्ट में जाने का भी ऑप्शन बंद था, जेल में ही सड़ते रहना था, कितनों ने पार्टी छोड़ दी, और सुनिए ये तो वो है जो कहते हैं अंग्रेजों से लड़े थे वो जेल में रहे थे झुके नहीं थे, आज कहते ही DCBI डर गए,
मतलब गजब का इन लोगों का पैटर्न है, आप ये देख लीजिए। यह दर्शाता है कि अपनी पार्टी की कमजोरी को लोग साबित करते हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमारे हिसाब से आरोप है, संशय है, इसलिए हमने आज तक किसी आरोपी नेता के खिलाफ ना कोई केस विड्रॉ किया है ना कोई केस क्लोज किया है। मगर ये कहते थे ऐसा हुआ ही नहीं, इनका ऑफिशियल स्टैंड ऐसा हुआ ही नहीं, जैसे ही छोड़ के गए थे ऐसा ही हुआ। सिन्हा जी, आप एक सेकंड लंबा ले लेते हैं और फिर पूछते हैं कि सवाल पूछ आता हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी, अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप शरद पवार के साथ मिलकर 2024 में चलना चाह रहे थे, जैसे ही उनकी पार्टी टूटती है सबसे ज्यादा खुशी की लहर कांग्रेस के अंदर दिखाई देने लगती है। कांग्रेस के नेता अचानक कहते हैं कि देखिए अब तो चीफ विप जो होगा वो हमारा होगा, विपक्ष का नेता हमारा होगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी है। बजाय अपने सहयोगी को सांत्वना देने के आपकी पार्टी के नेता इस काम में लग जाते हैं कि पहले सबसे पहले विपक्ष के नेता की कुर्सी हमारे पास आ जानी चाहिए। ये ऐसी एकजुटता के हमारी पार्टी के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, और श्री राहुल गांधी जी कल मराठा सरदार के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करने उनके घर बैठे थे। वो 84 साल का मराठा सरदार जिनको इन्होंने धोखा दिया, पीठ पे छुरा भोंकने का काम कराया, जिसके भतीजे से उस मराठा सरदार शरद पवार के घर श्री राहुल गांधी जी बैठे थे। आपकी बात का तो जवाब ये है, बहुत साफ एकदम। 24 घंटे के अंदर मीटिंग हो रही थी ना? नहीं नहीं, 24 घंटे के अंदर कांग्रेस ने दावा कर दिया था ना विपक्ष के नेता। राहुल भाई दो मिनट मेरी बात तो सुनिए, आपके साथ आप बड़े जिम्मेवार एंकर हैं। आज की डेट में मीडिया जो हमारे मित्र मीडिया है वो करती क्या है? सुधांशु जी आए, इनसे पूछा राम की स्पेलिंग बताओ, इनकी सहयोगी पार्टी LJP उनसे पूछा सीता की स्पेलिंग बताओ, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत आए कहने लगे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ। तो आप चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग से पहले दो मिनट सुन लीजिए सर। अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं या नहीं, क्या ये ABCD है या राम की स्पेलिंग है, बस सुन लीजिए। आपको लग रहा है अभी आपने मुझसे नहीं पूछा, मैं वही जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी समझिए, पहले भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस आरोप की ईडी से जांच होगी, गलत होगा तो भाई इनको क्या दिक्कत है। उसके बाद ईडी की जांच के बाद फिर एक आरोप लगाती है कि 100 करोड़ रुपए पकड़े गए, 1000 करोड़ पकड़े गए, 70000 करोड़ पकड़े गए, नेचुरली करप्ट पार्टी है 70000 करोड़ की। और उसके बाद जब छापा पड़ जाता है तो उसको कहती कि भैया दो जेल हैं, एक जेल भारतीय जनता पार्टी की जेल है या तिहाड़ जेल, कहां जाना है बताओ। तो ये क्या करते हैं, उस आरोपी को आरोप लगा करके उसके ऊपर डरा के धमका करके उसको भारतीय जनता पार्टी की जेल में ले आते हैं। चलिए आप बता दीजिए, अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? अजीत पवार भ्रष्टाचारी नहीं है, और सुन लीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगा करके और भारतीय जनता पार्टी फिर क्यों बोला आपके नेताओं ने कि वॉशिंग मशीन लगा के रखी है ना हमने। अरे आप समझ, फिर वही तो मैं कह रहा हूँ कि चेकोस्लोवाकिया, इसीलिए कह रहा हूँ आपसे 70000 करोड़ का आरोप भाजपा ने लगाया, 70000 करोड़ का भाजपा, कांग्रेस ने नहीं लगाया, 70000 करोड़ का आरोप भाजपा ने लगाया, भाजपा ने डराया, भाजपा ने धमकाया, भाजपा ने उसके घर ईडी भेजी, उनसे नहीं बात चली CBI भेजी, फिर इनकम टैक्स भेजा, और फिर कहा कि दो जेल है, एक जेल तिहाड़ जेल और दूसरी जेल जो है वो जेल है भाजपा की जेल, मंत्री बन जाओगे, एसी कमरे में बैठोगे, लेकिन रहोगे जेल की तरीके से। क्लियरिटी नहीं हो रही, आप एक बार देखिए, उसके बाद मैं बहुत साफ हो गया ना, ये बिल्कुल आइए। नहीं सुनिए, विपक्ष का उत्तर आपको कभी नहीं मिलेगा। इनकी स्थिति है कि एक प्लेन पेपर पे दोनों तरफ PTO लिख दो, मैं दूंगा, तो PTO लोग पलटते ही रहेंगे, कागज कहीं एंड बताएंगे। अंशु भाई आपसे उम्मीद नहीं है, संबित पात्रा से रहती है। मैं एकदम साफ बात बताने का, नहीं ये साफ बात तो है ही है, इसमें तो कहीं रहेंगे हयादार अपनी हया से डर गया। अब मैं बात कहना चाहता हूँ, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आने के बाद इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक पार्टी बता दीजिए जिसके ऊपर 2014 से पहले, आज से नहीं 20-30 साल पहले से, जिनके नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कचहरी और एजेंसी के चक्कर न काटे। तो फिर उसी भ्रष्टाचारी पार्टी को आपने लिया क्यों? पूरी पूरी बात बताइए, अगर वो भी भ्रष्टाचारी थी और नहीं सुधांशु, और पूरी बात उसी भ्रष्टाचारी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे भाई आप नहीं, मैं आपका बता रहा हूँ भाई, ये तो सबसे महान है भारत के इतिहास में। मैं छोटा मोटा नहीं, प्रधानमंत्री स्तर की बात बता रहा हूँ। एकमात्र बार यह साबित हुआ कि प्रधानमंत्री ने रिश्वत लेकर अपनी सरकार बचाई, 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, कांग्रेस की सरकार, और PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद कोर्ट में जाके खड़े रहे भ्रष्टाचार के आरोप में। तब तक मोदी जी अमित शाह जी का नाम ही नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी, और जिनकी सदारत में जाके बैठे थे पटना में लालू प्रसाद यादव, 97 में जेल चले गए थे,
और उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनको जेल में डाला, तब तक भाजपा की सरकार नहीं आई थी। और ₹1,00,000 की घूस लेता हुआ जिसकी पार्टी के अध्यक्ष और कैमरा पकड़ा गया हो बंगारू लक्ष्मण हो गए जेल गया हो, ₹1,00,000 की घूस डिफिकल्टी में आ गए। अच्छा वो किस चीज के लिए ली थी, नाम बताइए बताइए किस चीज के लिए। वो भी एक विचित्र केस था, वो भी तरुण मतलब कोई केस ही नहीं था जिसमें कह दिया गया कि फलाने कांड के लिए ली गई। अब खैर यही कह रहा हूं, भारत तो राजलीला बाकी सब मेरे कौन सा ढीला नहीं होता था। मुझे लगता है भदौरिया जी इंतजार की प्रधानमंत्री है, सुनिए, जिसको चुनावी धांधली के लिए दोषी सिद्ध कर दिया गया कोर्ट के द्वारा, श्रीमती इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, और उनको छह साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वो इमरजेंसी लगा दी गई। इस जमाने से 2014 के बाद मोदी जी के नाम त्रिवेदी झूठ बोल रहे हैं ऑन कैमरा। क्या जगमोहन सिन्हा जी का जजमेंट में नहीं था, छह साल जजमेंट में नहीं था, एक मिनट उसके बाद उसी जजमेंट को उल्टा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं थी, झूठे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट को ओवरटर्न किया, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को ओवरटर्न किया। मुद्दे पे आ जाते हैं, झूठ बोल रहा है। मैं कहता हूं सुनिए, अब मेरी पूरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को एज इट इज रखता है। कितनी बार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक श्रीमती इंदिरा गांधी संसद में बैठ सकती है मगर वोट नहीं कर सकती। ठीक है, अनुराग जी मेरा सवाल आपसे है कि हमने महाराष्ट्र में देख लिया, सर आप मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। झूठ बोल रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने दीजिए प्लीज। समझ में आ गया अपने आप, आज के जमाने में एक मिनट में जजमेंट में समझ में आ जाती है। कितना तो आप रखते हैं लेकिन झूठ तो नहीं चलेगा ना। तो मैंने तो बोल दिया, दिखाओ जजमेंट का दूसरा, दिखाओ अनुराग जी। सवाल मेरा यह है कि झूठ झूठ पर हम बात कर रहे हैं, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। रोके, अब सुनिए, हम लोग ये होता झूठ एक अमेरिका से आ रहा भाई, नेट नहीं बना पाए कह रहे अमेरिका से आ रहा, तो कह रहे सारी चीज मेड इन इंडिया थी। अरे भाई WWW वर्ल्ड वाइड वेब लिखा जाता है, इसमें मेड इन इंडिया कहा जा गया, मतलब बिल्कुल। अरे सुधांशु जी आप सवाल ट्रिपल आई कर लीजिए, सुधांशु जी कृपा कीजिए, जरा इधर भी हैं लोग। मेरा सवाल आप सही है, अरे इधर नहीं, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल आ रहा हूँ आपके पास। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर बीजेपी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि वो शिवसेना को तोड़ती है, आरोप लगते हैं कि वो एनसीपी को तोड़ती है, आपके यहाँ तो नहीं तोड़ा, अपने आप ही टूट गई आपकी तो पार्टी। कहाँ टूट गई, टूटी उसके बाद फिर जोड़ी जैसे और जब टूटी थी तब आप भी सुधांशु जी के चक्कर में। अरे क्या नहीं, चाचा टूटे नहीं थे, जुड़े तो अभी परिवार ही फूट गया था आपका, तो जबरदस्ती परिवार तो फूटा था ना। अरे छोड़िए ना, अरे अनुराग जी, अरे आप परिवार पे बात करिए ना, करते करते अभी पार्टी तोड़ रहे थे, पार्टी टूटी क्या आपने, परिवार और पार्टी में फर्क है क्या। अरे आप अब वो बात कर रहे हैं जिसका कोई, अब मैं जवाब दे दूं सुधांशु जी का। नहीं, पहले मुझे बताइए, मेरे सवाल का बता, सवाल क्या? आपके यहाँ परिवार टूटा, सवाल ही गड़बड़ हो जाए। आपका परिवार टूटा तो पार्टी नहीं टूटी, हमारी पार्टी कभी नहीं टूटी ना कभी परिवार। शिवपाल यादव कहाँ गए, कभी कोई नहीं टूटता है। शिवपाल यादव कहाँ गए, हमारे किसी के भी घर में दो मतभेद होंगे तो कहीं टूट गया। अरे वो टूट के नई पार्टी बना ली थी अनुराग जी, कुछ नहीं, किसी ने कहीं नहीं टूटा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तीन बार इनकी पार्टी टूटा। अरे दो भाई कह रहे हम नहीं है, हम दोनों साथ हैं, ये कह रहे नहीं साथ नहीं हो, अरे एक दूसरे के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़े। आप कह रहे हैं हम साथ ही लड़े विधानसभा, काहे परेशान है आप, विधानसभा साथ ही हम लड़े थे दोनों भाई, काहे आप बोल लूं। हाँ बोलिए, देखिए क्योंकि आप ना मेरे से तथ्यों में बात नहीं कर रहे, इनकी पार्टी का बता दें, तीन बार इनकी पार्टी बोल लूं प्रभु, इतने देर आपकी पार्टी तीन बार बोलने चले चली चुकी है। देखिए सुधांशु जी की हालत ये हो गई है कि 2014 में कहते थे देखो ये सत्ता वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हम आएंगे तो सब कुछ अच्छा करेंगे। जब इनको सत्ता मिल गई, पहले जब सत्ता में विपक्ष था तो उनको चिल्ला रहे थे उनके ऊपर में, अब सत्ता मिल गई तो विपक्ष से पता क्या कह रहे हैं, तब कहते थे कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, अब क्या कहते हैं जब इनको सत्ता में आ गई तो विपक्ष क्या कहते हैं पता है, 1950 में आपने कुछ नहीं किया था,
1960 में आपने कुछ नहीं किया था। अरे भैया सत्ता जब आपने ली थी तब तो आपने 1950-60 बोला, कोई आदमी सीधा जा रहा है, मैं बोलने दो 1950-60 का बोला, बोलने दो भाई, कभी बोला आपके बीच में बोला क्या? आप गिनाते रहते हो, आप 1950-60-1970 2023 की बात सुनने के लिए आप उनको ले जा रहे हो 70 में 94 में 95 में। भाई 95 94 में बेचारे पैदा भी नहीं होते। आप तो अभी दिखा रहे हो इनकी हालत ये हो गई है कि पहले कहते थे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो देखिए सब विपक्ष में हैं, अब क्या करते हैं ये, अब जैसे अजीत पवार जी पे इन्होंने आरोप लगाया भ्रष्टाचारी हैं, 17,000 करोड़ है, ये है वो है, 10 दिन बाद वही जिनके यहाँ रेड पड़ी थी शुगर मिल में ईडी की रेड पड़ी, जिनको इनके इनके नेता चिल्ला रहे थे देखो ईडी की रेड पड़ी, ये देखो कितना बड़ा आरोप है, उन्हीं को फिर कहते हैं आओ 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 इधर आओ, रेड पड़ गई आओ स्वच्छ करते हैं, आओ आओ ये लो राज तिलक राज अब जाओ अब स्वच्छ हो गए आप। राजपूत जी तो मान ही नहीं रहे कि आके देखिए भ्रष्टाचार भाई किस पे चिल्ला रहे हो, आपकी जिम्मेदारी पे चिल्ला क्यों रहे हो भाई, भाई आप ही चिल्ला रहे हो, देखो 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 मैंने शोर मचाए शोर। मेरा सवाल जो अनुराग जी आपसे था, क्यों हल्ला मचाया, मेरा सवाल जो आपसे था, आप उस सवाल से बचे, आप पूछिए, आप बहुत गोल गोल घुमाए और लास्ट में आके बोले कि अपना सवाल बताइए, पूछिए, मेरा सवाल का जवाब भी दे दीजिए ना, आप अपनी बात कहने थोड़ी आए, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि जब कांग्रेस के नेताओं ने तमाम यूपी में कह दिया कि वो आपके साथ नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए, तब क्या करेंगे, कहां से विपक्ष की एकता आ जाती, कल ही उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी, जवाब दे रहा हूं, सुनिए भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत पता क्या होगी, अब आप कह रही दूसरी तो कहते हैं भैया, अरे भैया नाराज थे, समोसा खाया था चाय नहीं पी, कोई कहेगा चाय पी समोसा क्यों नहीं खाया, फिर कहेंगे नहीं नहीं पानी नहीं पिया, कुछ तो बात है आपस में गड़बड़ है, अरे भैया मेरी थाली में इतना झांक रहे हो, विपक्ष की थाली में जिसने आपको वोट नहीं दिया जनता ने वोट दिया था उनकी थाली में क्यों नहीं झांकते, उनके घरों में क्यों नहीं झांकते, उनके घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ विपक्ष में झांकने के लिए आप तैयार रहते हो, जनता के घर में झांकिए, अनुराग जी से गुजर रहे हैं वो, अनुराग जी सवाल पे आइए, सवाल पे आइए, जवाब नहीं है ना, जवाब नहीं है ना, जवाब मैंने जवाब आप मुद्दे से नहीं 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 आप मुद्दे से भाग रहे हैं, पूरा विपक्ष है, आप मुद्दे से भाग रहे, कहां एक है, क्यों राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए, चिंता हो रही क्यों, उन्होंने कहा कि अमेठी और रायबरेली में हम अपना कैंडिडेट देंगे, विपक्ष एक है, अरे बोलिए ना, जवाब दीजिए, बस बात खत्म, अरे अब हम कह रहे हैं ऐसा है, आप एक नहीं हो, आपने तो कह दिया है कि मेरे तरीके से चलोगे तो चलेंगे, साथ हैं ये कह रहे हैं, नहीं हो आप, नहीं हो आप साथ, नहीं हो आप साथ, अरे वो कह रहे कैसे दिखाएं भैया, कह रहे हम साथ हैं भाई, कांग्रेस विपक्ष सब साथ हैं, कांग्रेस विपक्ष साथ है, कांग्रेस को सीटें देंगे आप यूपी में, वो हम अच्छा कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को सीटें देंगे, चलिए बता दिए कितनी सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को यूपी में, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार, हम लोग देश को राष्ट्र बचाने के लिए, महंगाई बेरोजगारी किसान राष्ट्र के मुद्दे पे, हम लोकतंत्र बचाने के लिए संविधान बचाने के लिए हम सब साथ हैं, अरे तो साथ तो आप साथ तो आप लोकसभा चुनाव में भी थे तब क्या हाल हुआ, कुछ भी हो हम साथ हैं, अरे हम साथ हैं, हम साथ हैं, इसीलिए हम साथ हैं, ये बताएं क्या साथ, साथ, साथ है, तो चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे, हम अनेकता चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे अनुराग भदौरिया, और चुनाव के बाद फिर एक दूसरे को एकता में विश्वास करने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में सभी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं संजीव जी, मनभेद किसी के साथ नहीं है, संजीव जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि वैसे बैलेट डांस आपने देखा होगा, बैलेट डांस स्टाइल में डिबेट आप पहली बार देख रहे होंगे, यू यू आगे पीछे कुछ भी, अब जब हम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो विपक्ष की एकजुटता हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा है, ये तो खैर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं अनुराग भदौरिया, लेकिन यूसीसी की जब हम बात करते हैं और 370 की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी का जो नजरिया था वो बिल्कुल विपक्षी पार्टियों से अलग था, अध्यादेश के मामले पर आप कांग्रेस से बिल्कुल अलग थे, 2024 में आप साथ कैसे खड़े हुए? और देखिए मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, उससे पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं, चूंकि ये कह रहे थे पीसिंग चक्की पीसिंग कहां चले गए, वीडियो आपको दिखा दिया हमने क्योंकि वो जरूरी था इनको दिखाना, आप भी समझाना, ना 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 ये एक सेकंड मेरी, अब मेरा सवाल, ये जो आप दिखा रहे हैं उससे पहले ये ध्यान रखिएगा कि आपके नेता जेल में, अरे आपके तो गजब है राजनीति में नहीं होगा, नेता जेल में बैठे हुए तब आप ये बता रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी है इनका इतना सवाल है, जब तक अजीत पवार विपक्ष में थे इन्होंने कहा चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, अब जब इनसे सहमत हो गए तो मंत्री डिप्टी सीएम बनिंग डिप्टी सीएम बनिंग डिप्टी सीएम बनिंग, वही व्यक्ति
जो कह रहा था चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, यही बात आसाम में जाकर कहते थे हेमंत सुआ के लिए, जब इनकी पार्टी में आ गया सीएम बन गया। अब देखिए गंभीर सवाल क्या है, आप सबको भी समझना जरूरी है और देश को भी समझना जरूरी है कि आज आप पहले अपनी ईडी सीबीआई को आप इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाकर रख लिए हो, डराने के विपक्ष रख लिए हो, जो आप कनपट्टी बंदूक रखते हो, जो आपके साथ आ गया भाई वहां बड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करेंगे, ये डिप्टी सीएम बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, लेकिन जो आपसे सहमत नहीं है, जो आपके आंख में आग चुनौती दे रहा है, तुम उसको जेल भेजने की कोशिश करो। कौन नहीं जानता है मनीष सिसोदिया कौन है, जाके पूछिए दिल्ली के लोगों को, कहेगा जिन्होंने स्कूल का मॉडल बनाया। पूछे सत्य जैन कौन है, कहेगा जिन्होंने स्वास्थ्य का मॉडल बनाया। तुमसे असहमत था, तुमको चुनौती दे रहा था, तुम काम कर नहीं सकते, जो काम करेगा तुम उसको जेल भेजोगे, एक बात। दूसरी बात आपने कहा यूसीसी की बात कर, मैं तो आज भी पूछ रहा हूं, हमने कहा कि बॉस आप ड्राफ्ट लेके आओ कि ड्राफ्ट क्या है, हम बिल्कुल हम सहमत। देखिए बाबा साहब ने कहा, अनुराग भदौरिया की तरह आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि 370 और यूसीसी पर आपने विपक्ष से अलग हटकर लाइन ली, वो विपक्ष जिसके साथ आप 2024 में मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं कैसे एकजुट होंगे, मतलब उस सवाल पे आ जाइए ना, ना आप जवाब देते हैं ना आप जवाब दे रहे हैं, कैसे चलेगा बोला सरकार लड़वाएगी हम जवाब देंगे, कमाल है भाई। की बात करते हैं, बताओ महंगाई का जवाब कौन देगा, अच्छा दीजिए संजय जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आपकी एकजुटता की बात कर रहे हैं ना, सरकार चलाने की, पक्ष की एकजुटता की बात कर रहे हैं, ये पार्टियां क्यों बनी, वैचारिक मत भिन्नता थी, हम अगर एकजुट सभी बातों पे सहमत ऐसा नहीं हो सकता, हमने पहले क्या कहा कि आज ये एकजुटता क्यों हो रही है, जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाकर तुम चुनाव सरकार को खत्म करने की साजिश कर रहे हो, जिस तरह से एक एक विपक्ष को खत्म कर रहे हो, अगर तुमसे सवाल करेगा तुम उसको जेल भेज रहे हो। कर्नाटक में 40% की सरकार, वहां की जनता कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कितने जेल गए, कहां रेड्डी ब्रदर्स, कहां है आप, कहां है इनके पहले का मुख्यमंत्री। मेरा यह कहना है कि आज ये एकजुटता की जरूरत इसलिए है कि बात अब इस सभी मुद्दों से ऊपर की बात है। मैंने पहले ही कहा कि हम एकजुट होने की बात इसलिए कह रहे हैं कि इस देश का संविधान बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद मिला, इस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था बहुत सारी कुर्बानियों के बाद मिला, तो अगर किस देश की जनतांत्रिक व्यवस्था पर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो सभी विपक्ष और इस देश के नौजवान। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सुरेंद्र, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, नहीं दिया आपने, बात अभी छोटे मुद्दों की नहीं है, आपने जवाब ही नहीं दिया। अच्छा मेरा जवाब मैं आऊंगा ना, मैं आऊंगा ना, अभी तो इतना लंबा बोला आपने, इतना तो लंबा बोला बस कि टमाटर भी जवाब दे दिए ना, इतना जवाब 2014 पहले मुलायम सिंह का मुकदमा था कि नहीं, नहीं नहीं जवाब बोलिए ना, 2014 पहले मुकदमा था कि नहीं, टमाटर 2 महीने में ठीक हो जाएगा, महंगा है कि 14 महंगा था, 2 महीने में बरसात के बाद ठीक हो जाएगा, आप सवाल अच्छा 2 महीना पहले कितना, अच्छा सुन लीजिए 2 महीने पहले का बताओ आज कितना है, तो 1 महीने बाद ठीक, नहीं तो आप करो ना, कैसे महंगाई बढ़ गई, मैंने कुछ भी बरसात में होता है अक्सर, तो पहले बोल देते कि हम आएंगे मेरी सरकार में हमारे पास बहाना रहेगा, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी है बोलो, रोजगार नहीं दे रेट ऑफ इन्फ्लेशन बोलो, अगर हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं दे पाएंगे तो कहेंगे बारिश आ गई थी, कमाल का भाई, टमाटर भाई आ रहा हूँ, लेकिन इसका मुद्दा है वो 2024 में बीजेपी वर्सेस पूरा जो विपक्ष एकजुट हुआ है वो है आम आदमी पार्टी, जिसने किसान जो बिल आए थे उस पर, इसके अलावा धारा 370 पर, और यूसीसी का बिना ड्राफ्ट पढ़े ही उसका समर्थन कर दिया, उसका साथ आप मानते हैं कि वो आपके साथ है और वो एक साथ चल पाएंगे। अनेकता में एकता आपने पहले सिन्हा जी सुन लीजिए, किसान मुद्दे पे हम किसान के साथ खड़े थे और यूसीसी हम ड्राफ्ट पूछ रहे हैं इनसे, तो गलत प्रस्ताव दिल्ली में पास कराया था नहीं कराया था, एक मिनट दिल्ली में प्रस्ताव पारित उसके खिलाफ आंदोलन, तो बाद में आप आंदोलन में आए, तैयारी करके आइए, आप सुनिए, तो कहते हैं ना कि अनेकता में एकता विपक्ष की विशेषता, ये विपक्ष की विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी को कि क्या नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने की नीतियों के कारण, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज जिसके क्या नाम फैसलों के खिलाफ सड़क पर आ जाएं, जहां पर इनका एक अमित मालवी इलेक्शन कमीशन से पहले इलेक्शन की डेट ट्वीट कर दें, जो यहां पर झूठ बोलते हो पूरे कानूनों को तोड़ रहे हो उनके खिलाफ हम अपने मतभेदों के साथ, सुन लीजिए,
सुन लीजिए, पहले पहले सुनिए ना, पहले सुनिए तो। अरे भाई आप हमारे सर पे गन लगा के क्यों आप सवाल, हम जवाब वही यूसीसी मोदी जी की तय कर रखा है कि मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। आपके सवाल, अगर आप ये तय कर, ये एकजुटता है आपकी तो अलग बात है, सुन लीजिए, ये भी मेरे सवाल पे जवाब नहीं देंगे, ये एकजुट होकर आप आए तो अलग बात है, ये भी एकजुटता है, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, घुमाते रहेंगे, घुमा नहीं रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं कि हमारे मतभेद होने के बावजूद इन सारी बड़ी देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन से अंत के लिए, कोई उनके माथे पे तीर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई उनकी जंघाओं पर तीर मारेगा, और राहुल गांधी उनकी नाभि पर तीर मारेंगे, मतभेद हैं हमारे, लेकिन हम हमारे मतभेद राहुल गांधी से बड़े नहीं है, बहुत स्पष्ट। अरे आप मतलब बनाते रहिए, हमारा तो सामूहिक नेतृत्व, नाभि पे तीर किसने मारा था हमारे यहाँ, मतलब क्या स्पष्ट है ना, हाँ बता रहे, हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं, सुन लीजिए, अखिलेश यादव भी हैं नीतीश विपक्ष में, नीतीश कुमार भी हैं, एम के स्टालिन भी हैं, आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है, एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो, नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा, एनडीए बता दे। सुधांशु जी ये जवाब देता हूं, ये एक बड़ा बता सवाल दे, है। मैं जवाब दूं, एक मेरा सवाल पूछ, ऑब्जर्वर ने ये बात कही भी थी कि बीजेपी को, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को और भी सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, सिर्फ मोदी के नाम पर और उनके काम पर ही बीजेपी आगे बढ़ रही है, हिंदुत्व भी, क्या आपको लगता है कि ये एक आपके लिए चुनौती है और आपकी जो बाकी लीडरशिप है उसको भी उस तरीके से आगे आना चाहिए? पहले मैं कहूंगा डिबेट की थोड़ी गंभीरता बना के रखेंगे, और मैंने किसी के में डिस्टर्बेंस नहीं किया है, और 3:1 डिबेट है, तो कृपया मेरे में कोई डिस्टर्ब ना करें, अपने टर्न में आए, मेरी बात की धज्जी उड़ा दें। अब इन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, भारत के इतिहास में सिर्फ दो प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, मोदी जी और अटल जी, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता ने कहा यह होना चाहिए। 2007 के बाद का कोई सर्वे उठा के देख लीजिए, सबने कहा मोदी जी सबसे बड़ी पसंद है। 2012 के बाद का कोई सर्वे बताइए जहां 50% से कम हो, और आज तक जनता तय करती है कौन प्रधानमंत्री होता। आपके यहां राहुल जी भी हैं, खड़गे जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, फलाने जी हैं, जनता में पूछिए 1%, आधा परसेंट, 2%, 4%, यही समस्या की बात है। इनके यहां जितने नेता बने, इनकी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो, वहां मुलायम सिंह जी पहली बार सीएम बने वीपी सिंह के नेतृत्व में, मुलायम सिंह जी प्रोजेक्टेड नहीं थे, अजीत सिंह को सीएम बनना था, वीपी सिंह जी का समीकरण था कि चौधरी चरण सिंह जी के बेटे हैं इसलिए ना बने, चलो कोई बात नहीं, अखिलेश जी बने, उस समय मुलायम सिंह जी नेता थे, अखिलेश जी को कोई नहीं जानता था 2012 में। अच्छा? वो बने इनके यहां। अब मजेदार बात बताऊं, बाकी तो छोड़िए, एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हुए तो जनता ने तय किया था, उसके बाद एक सरकमस्टांशियल प्राइम मिनिस्टर हुए पीवी नरसिम्हा राव, और एक राजीव गांधी जी इंदिरा जी की दुखद हत्या से उपजी सहानुभूति के लिए बन गए, एक ने भी पहली, और इंदिरा गांधी जी पहली बार कैसे बनी कांग्रेस के अंदर इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गुंगी उड़िया बनके, और जवाहरलाल नेहरू कैसे बने फरवरी 1946 में कांग्रेस की कमेटी में, जिसमें एक वोट पट्टा भी रमैया को, एक वोट जेपी कसानी को, और सारे के सारे वोट मिले सरदार पटेल को, और जीरो वोट मिले जवाहरलाल नेहरू को, जीरो वोट पाके प्रधानमंत्री बने, इसलिए अंतर है, 100% साथ झूठ। अरे सुनिए, जेपी कृपलानी ने अपनी किताब माई डेथ विद महात्मा गांधी में लिखा, चैलेंज करता हूं, अगर झूठ होगा तो माफी मांगूंगा, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एक चीज उसमें लिखी है, झूठ 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 मत बोलो, हद होती है झूठ बोलने की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वोट कर रहा हूं, सुनिए, मौलाना आजाद, इंडिया विद फ्रीडम, वीर दुर्गादास, इंडिया, पानी आप पिया, पानी पीने का आपका जमाना है भाई, झूठ मत।